good morning students welcome to learners point in this video we are going to read sixth chapter from footprints without feet book and the name of the lesson is making of a scientist the making of a scientist richard abright has received the serle scholar award and the Scaring plow award for biochemistry and molecular biology उन्हें बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए ये दोनों वर्ड्स मिले हैं इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम ये उनकी बटरफ्लाइज के लिए फैसिनेशन थी अट्रैक्शन थी जिसने वर्ल्ड ऑफ साइंस को उनके लिए ओपन कर दिया एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अ फार्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क केवल बाईस साल की उम्र में और जिस साल उन्हें स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला कॉलेज में उसी साल उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ड्स को एक्साइट कर दिया एक नई थ्योरी के साथ और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कैसे सेल्स वर्क करती हैं रिचर्ड एच एब्राइट एंड हेज कॉलेज रूम मेट एक्सप्लेन द थियोरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एक मैगजीन है जिसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस और इसके अंदर उनका रिचर्ड एच एब्राइट और उनके रूममेट इन दोनों का आर्टिकल छपा था और जिसमें उन्होंने अपनी थियोरी दी थी हाउ सेल्स वर्क इस पे इट वाज़ द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ये पहली बार था कि जब इस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने साइंटिफिक मैगजीन ने किसी कॉलेज स्टूडेंट की आर्टिकल uh, को जगह दी थी जर्नलिस्ट एक्स मैगजीन इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स और स्पोर्ट के अगर कंपेयर किया जाए इस मैगजीन में उनके आर्टिकल को छपने को तो इट वुड बी एट द एज ऑफ फिफ्टीन जैसे कि पंद्रह साल की उम्र में द हिटिंग ए होम रन फॉर योर फर्स्ट टाइम एट बैट ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि पहली बार कोई आ, प्लेयर बैटिंग करने के लिए गया बेस बॉल में और वहाँ पर पंद्रह पहली ही बॉल पर उसने होम रन कर दिया एक बड़ा स्कोर बना दिया फॉर रिचर्ड एब्राइड रिचर्ड एब्राइड के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स लेकिन रिचर्ड अपडाइट के लिए ये उनकी जो लॉन्ग स्ट्रिंग बॉस ऑफ अचीवमेंट्स है अचीवमेंट्स की उपलब्धियों की एक पूरी की पूरी चेन है उसमें ये पहली चीज़ थी इन द साइंस एंड अदर फील्ड साइंस में और दूसरे फील्ड्स में एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज और इस सब की शुरुआत कहाँ हुई बटरफ्लाइज के साथ अब ये होम रन क्या होता है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है ए होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल बेसबॉल में होता है ये इज वेन द बैटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल बेसिस एंड बैक टू द होम प्लेट विदाउट स्टॉपिंग भाई कोई प्लेयर जो है उसने बॉल को हिट किया और उसके बाद वो सारे जो बैट सभी जगह दौड़ करके और फिर वापस अपनी जगह पर सेफली आ गया हो उसे बोलेंगे होम रन बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ए होम रन पहली प्लेइंग फील्ड से बाहर ही भेज दिया जाए इतनी जोर से बॉल फेंकी गई हो तो उसे भी होम रन कहते हैं जैसे कि क्रिकेट में सिक्सर गेटिंग अ पेपर पब्लिश्ड एट द एज ऑफ फिफ्टीन इन ए साइंटिफिक जर्नल इज हियर कंपेयर टू स्कोरिंग ए होम रन वाइल बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर एब्राइड की इस पेपर को मैगजीन में उस जनरल में छपना ये इसको कंपेयर किया गया है एक होम रन के साथ जो कि पहली बार ही कोई बैटिंग करने के लिए गया है इंटरनेशनल लेवल पे और उसने पहली ही बॉल पे होम uh, रन मार दिया है यानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कहना ये चाह रहा है राइटर एंड ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रू आप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया ए ब्राइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए वहीं पर और देयर वॉज एन मच आई कुड डू देयर और वो कहते हैं कि वहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था ही सैड आई सटेली कूडेंट प्ले फ़ुटबॉल और बेस बॉल विद अ टीम ऑफ वन मैं अकेला एक बंदे की टीम के साथ ना तो फुटबॉल खेल सकता था ना बेसबॉल खेल सकता था बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था और वो था चीज़ों को कलेक्ट करना सो ही डि और ऐसा उन्होंने किया भी एंड डिड ही एवर और वो हमेशा करते रहे बिगिनिंग इन किंडर गार्डन ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज सेक्टिविटीज किंडर गार्डन यानी कि के जी क्लास से ही शुरू कर दिया था उन्होंने ये कलेक्शन का प्रोसेस और बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ बड़े दृढ़ निश्चय के साथ वो बटरफ्लाईज कलेक्ट करते थे जो कि बाद की उनकी एक्टिविटीज़ में भी रिफ्लेक्ट होता है यानी कि वो शुरू से ही बहुत कीन थे जो भी काम करते थे बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ करते थे ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स और केवल वो बटरफ्लाइज़ कलेक्शन में ही इनका ध्यान नहीं था बल्कि वो क्या करते थे रॉक्स भी कलेक्ट करते थे फॉसिल्स एंड कॉइन्स और केवल रॉक्स ही नहीं फॉसिल्स भी कलेक्ट करते थे फॉसिल्स क्या होते समथिंग प्रिजर्व फ्रॉम ए पास्ट जियोलॉजिकल एज कोई ऐसी चीज जो कि किसी पास्ट जियोलॉजिकल एज से बची हुई है किसी एनिमल के किसी प्लांट के रिमेंस जो हैं उनको फॉसिल्स कहेंगे एंड कॉइंस मतलब ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने का उन्हें शौक़ था ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे एस्ट्रोनॉमर ईगर मीन्स एंथ्यूजियाटिक जो बहुत जोश के साथ काम करता है और एस्ट्रोनोमर वन हु स्टडीज़ द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़ ऐसा इंसान जो कि स्टार्स और दूसरी हेवनली बॉडीज़ को प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करता है उनको स्टडी करता है और वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे वो ये कहना चाहता है एंड टू समाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट सारी रात कई कई बार वो स्टार गेजिंग करते रहते थे आसमान को देखते रहते थे from the first he had driving curiosity along with a bright mind shuru se hi unme ek driving curiosity thi along with a bright mind mind bahut hi bright tha bahut hi sharp tha aur एक eagerness curiosity means eagerness, उतावलापन चीज को जानने की इच्छा तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी ही ऑल्सो हैड ए मदर हुकरेज हिज़ इंटरेस्ट इन लर्निंग उनकी एक माँ भी थी और वो माँ कैसी थी वो एनकरेज जो उनको बढ़ावा देती थी हिज़ इंटरेस्ट इन लर्निंग सीखने में कि जो उनकी इच्छा थी उसको वो बढ़ावा देती थी शी टू कीम ऑन ट्रिप्स बॉट हेम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप्स कैमराज माउंटेन मटीरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हेम इन मैनी अदर वेज उनकी मदर क्या करती थी शी टूकम ऑन ट्रिप्स उन्हें घुमाने ले जाती बॉट हिम टेलीस्कोप्स और उन्हें क्या क्या खरीद कर देती छोटे छोटे खिलौने नहीं खरीद कर देती बल्कि क्या देती टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमराज और उनको लगाने के लिए माउंटिंग मटीरियल उनको रखने की चीज़ें एंड अदर इक्विपमेंट्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह की चीज़ें चाहिए वो सब उन्हें ला कर देती और उन्हें और भी कई तरीके से मदद किया करती आई वॉज हज ई कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टड स्कूल हिज मदर सैड और उनकी माँ बताती हैं कि जब तक उसने स्कूल में जाना शुरू किया तब तक मैं उसकी अकेली साथी थी आफ्टर दैट आई ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम और जब वो बड़ा हुआ थोड़ा स्कूल जाने लगा तो फिर मैं उसके लिए फ्रेंड्स को घर पर ले आती थी बट एट नाइट लेकिन रात के समय वी जस्ट डेट थिंग्स टूगेदर तब वो दोनों अकेले होते थे और दोनों मिल के काम करते रिचि वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिचि वॉज इन थर्ड ग्रेड जब रिचर्ड एब्राइट केवल थर्ड ग्रेड में थे उसी समय उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनकी मदर कहती हैं कि उनकी डेथ के बाद रिची ही रिचर्ड एब्राइड ही उनकी होल लाइफ थे पूरी लाइफ थे तो वो उनके साथ बिजी रहती शी एंड हर सान स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल वो और उनका बेटा लगभग हर शाम को डाइनिंग रूम की टेबल पर बिताते इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू अगर उनके पास कुछ करने को काम नहीं होता आई फाउंड वर्क फॉर him. तो मैं उसके लिए काम ढूंढ देती नॉट फिजिकल वर्क कोई फिजिकल वर्क नहीं बट लर्निंग थिंग्स ऐसा नहीं है कि उसको किसी घर के काम पे लगा दिया कि झाड़ू लगा दे बर्तन साफ कर दे बल्कि क्या सीखने का काम उन्हें देती थी हिज मदर सैड ही लाइक इट और उनकी माँ कहती है कि उसे पसंद भी था He wanted to learn. वो नई नई चीजें सीखना चाहता था And learn he did. और वो सीखी भी लर्न ही डिड ये डिड यहाँ पर लग, लगाया है वैसे तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था एंड ही लर्न लेकिन यहाँ पर क्या बना है लर्न ही डिड तो बिकॉज ही इज एम्फिंग ये लॉ ऑफ इन्वर्जन है और यहाँ पर हम लॉ ऑफ इन्वर्जन लगा के यानी कि उल्टा कर दी हमने पोजिशन और फिर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं बात करके कि लर्न ही डिड हाँ उसने सीखा भी ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल और स्कूल में उन्हें टॉप ग्रेड्स मिलते थे ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड हिज मदर सैड और उनकी मदर बताती हैं कि डेली थिंग्स के बारे में वो लगभग वैसे ही थे जैसे बाकी सभी बच्चे होते थोड़े से केयरलेस थोड़े से केयरफुल uh, दोनों तरह के बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड जब वो सेकेंड ग्रेड में थे ए ब्राइट हेड कलेक्टेड ऑल ट्वेंटी फाइव स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन ना लुक जब वो सेकेंड ग्रेड में थे तभी उन्होंने उनके होम टाउन के आसपास पाई जाने वाली ऑल ट्वेंटी फाइव स्पीसीज ऑफ़ बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज की जो ट्वेंटी फाइव स्पीसीज उनके एरिया के आसपास मिलती थीं उन सबको उन्होंने अपने पास कलेक्ट कर लिया था सो हाउ केयरफुल हाउ ईगर ही वुड हैव बीन अबाउट हिज बटरफ्लाई कलेक्शन यू कैन सी इट फ्रॉम इट के जी से कलेक्शन का शौक शुरू हो गया सेकेंड क्लास में ट्वेंटी फाइव बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट कर दी ही ए प्राउड एंड सिंसियर वर्क ये ट्वेंटी फाइव स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज मैंशन की की गई हैं जो कि रीडिंग पेंसिल्वेनिया यूएसए में रीडिंग के आसपास के एरिया में जो बटरफ्लाइज मिलती हैं वो सारी ट्वेंटी फाइव टाइप्स की बटरफ्लाइज की यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दी है हमें यू नीड नॉट लर्न इट

उनकी मदर उनके लिए एक बुक लेकर आई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मुनाक एक्स की मुनाक एक्स की ट्रेवल्स डेट बुक विच टोल्ड हाउ मुनाक बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका और इस बुक में ऐसा बताया गया था कि कैसे मुनाक बटरफ्लाइज जो है वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं माइग्रेट मीन्स क्या होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना और इस बुक ने ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर तो ये जो ईगर यंग कलेक्टर था ये यंग कलेक्टर था इसके लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस एक तरह से खुल गया जब ये काम उन्होंने ये वाली पढ़ी एट द एंड ऑफ द बुक जहां पर बुक खत्म हो रही थी रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन तो वहां पर बटर फ्लाई की माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए उनकी मोमेंट को स्टडी करने के लिए रीडर्स को इनवाइट किया गया था और उस स्टडी में मतलब रीडर्स हेल्प कर सकते थे वो कैसे हेल्प कर सकते थे वर आज टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए कार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो कैनेडा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो कैनेडा में कोई प्रोफेसर uh, थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए कार्ड और वो बटरफ्लाइज को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने इसमें कहा था कि आप बटरफ्लाइज को टैग कीजिए और उन्हें कहीं पर भेजिए क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोफेसर जो हैं ये उसको स्टडी कर रहे हैं कि उनकी माइग्रेशन किस तरह से होती एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर यू खाट एब्राइट के मदर ने डॉक्टर यूखाट को लेटर लिखा एंड सून एब्राइड वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू विंग्स ऑफ मुनाक्स और जल्दी ही एब्राइड जो है वो मुनाक विंग बटरफ्लाइज के विंग्स पर लाइट हल्के से अधहेसिव टैग्स लगा रहे थे अधहेसिव मीन्स समथिंग गेट दैट बाइंड्स टुगेदर तो ग्लू किसी तरह का पतला सा चिपकाने वाला पदार्थ लगा करके और उस पर एक टैग लगाया जा रहा था उनके द्वारा यानी कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि डॉक्टर यूक को स्टडी के लिए बटरफ्लाइज चाहिए उन्हें पता लगना चाहिए कैसे माइग्रेशन होगा और उसके लिए उन्होंने यूक डॉक्टर साहब से कुछ वो टैग्स मंगवाए और अब बटरफ्लाई पकड़ी उस पर टैग लगाया बटरफ्लाई पकड़ी टैग लगाया ये काम शुरू किया उन्होंने एनी वन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई और उस टैग में क्या था कि एनिमन हु फाउंड जिसको भी वो टैग वाली बटरफ्लाई मिले वो टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उसे कहा गया था कि आप ये टैग डॉक्टर के पास भेज दीजिएगा द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट समर बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो था रीडिंग में रीडिंग कौन सी जगह है जहां पर एब्राइड की परवरिश हो रही है जहाँ पर एब्राइट रहते हैं तो उनके एरिया के आसपास केवल छः हफ्ते का समय होता था लगभग डेढ़ महीने का समय होता था जब वो भी समर के एंड में जब आप बटरफ्लाई कलेक्ट कर सकते थे इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन अब यू वॉन्ट कैच मैनी वेरी मैनी अब अगर आप एक, -एक बटरफ्लाई को पकड़िए और फिर उसको पकड़ करके टैग लगाएंगे तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा इतना बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना उनको पकड़ना और उनको इस तरह से टैग लगाना आसान काम नहीं था सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ब्राइड वाज वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज तो अगला कदम एब्राइड ने क्या किया

उसके एक तरह से उन्होंने अपनी बेसमेंट को होम बना दिया था देम इन हिज बेसमेंट थ्रू दियर लाइफ साइकिल उनके लाइफ साइकिल से फ्रॉम एग टू केटर पिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ाई है कि इंसेक्ट्स की लाइफ स्टाइल लाइफ साइकिल कैसे होती है पहले एग होता है फिर एग से केटर पिलर बनता है केटर पिलर से प्यूपा बनता है और एंड में फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनती है तो ये अलग अलग फेज में उनके उसमें बटरफ्लाइज वहाँ पर लगी रहती थी देन ही वो टैग द बटरफ्लाइज और जब वो बटरफ्लाई पूरी बड़ी हो जाती तो वो उसको टैग कर देते उसके विंग्स को के ऊपर वो टैग लगा देते एंड लेट देम गो और फिर उन्हें उड़ने के लिए छोड़ देते फॉर सेवरल ईयरस कई सालों तक हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मुनाक्स इन डिफरेंट स्टेजिज ऑफ डेवलपमेंट उनका घर का बेसमेंट जो था वो हजारों मुनाक बटरफ्लाइज के लिए एक घर जैसा था जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेज में कहीं पर लारवा में कहीं पे प्यूपा में कहीं पे एडल्ट बटरफ्लाई इस तरह से आ, उनकी आ, उसमें रखे रहते थे जो कि ग्रो कर रही होती थी ये इस टेबल में उन्होंने दिखाया है कि नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन सिक्स वीक्स छ हफ्ते के समय में उन्होंने जो कले, बटरफ्लाई कलेक्ट की थी उनमें कितनी कितनी बटरफ्लाईज कौन सी की वो सामर विंड एट वुड नीम फैंसैटर्स ओनली टू ब्रश फ्रूटेड जो थी वो अब उन्होंने टेन कलेक्ट की वाइट सल्फर में थ्री मुनाक वन स्नाउट वन तो इस तरह से जिससे जितना नंबर ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्ट की थी उनकी एक टेबल बनाई हुई है उन्होंने फॉर हिस् स्टडीज अब यह बटरफ्लाई कलेक्ट करना उनको कैप्चर करना उनको रेस करना इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क सो इवेंचुअली इवेंचुअली मीन्स finally i began to lose interest in tagging butterflies ab it's tedious and there is not much feedback a bright said a bright kehte hain ki eventually eventually means finally i began to lose interest in tagging butterflies ki dheere dheere mera इन butterflies को tag करने में interest खत्म होने लगा It's tedious. क्यों खत्म होने लगा क्योंकि ये टीडियस जॉब है बहुत स्लो प्रोसेस है धीरे धीरे उनको पहले पकड़ना है फिर एक्स बन लेने हैं फिर उनका अलग अलग, अलग स्ट्रेचेज में लेकर आना है तो इट वॉज ए टायरिंग जॉब टीडियस में एस टायरिंग जॉब एंड देर इज नॉट मच फीडबैक और कोई ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ट और वो हंसकर कहते हैं कि जिस पूरे समय में मैंने ये सब किया ओनली टू बटरफ्लाइज़ आई हैड टैग्ड वर रिकी कैप्चर्ड केवल इतनी सारी बटरफ्लाइज मैंने टैग की और उनमें से केवल दो बटरफ्लाइज़ किसी दूसरे पर्सन ने कैप्चर की एंड दे वर नॉट मोर दैन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्राम वेयर आई लिव्ट और वो भी उनके रहने की जगह से सेवेंटी फाइव माइल से ज़्यादा दूर नहीं थी यानी कि जो बटरफ्लाई माइग्रेशन वाली थ्योरी है उसमें हेल्प करने जैसा कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा था। देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वेन काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट फिर धीरे धीरे करके उनकी स्टडीज आगे बढ़ती गई और वो सेवेंथ क्लास में हो गए और तब उन्हें एक हिंट मिला कि रियल साइंस होती क्या है कब वेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर वो एक काउंटी साइंस फेयर में गए और लॉस्ट और वो वहां पर हार गए अब ये काउंटी क्या होता है इट इज अ रिजियन एरिया ऑफ डिवीज़न कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं तो यूएसए में अलग अलग स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के नीचे जो एरिया होता है उसे डिस्ट्रिक्ट की बजाय उसे काउंटी बोलते हैं तो वो एक काउंटी साइंस फेयर में वो गए और वहाँ पर वो हार गए उन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला इट वॉज़ रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग एवरीबडी एल्स हैड वन समिंग और एब्राइड सेट एब्राइड कहते हैं कि बहुत ही उदासी भरी फीलिंग थी बहुत दुख हो रहा था मुझे व्हेन मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था जबकि हर किसी को प्राइज़ मिल रहा था हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज और उन्होंने अपनी एंट्री जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो क्या था कि फ्रॉग टिश्यूज को उन्होंने एक विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था फ्रॉग टिश्यूज बना की स्लाइड बना करके उसको दिखाया था माइक्रोस्कोप में ही रियलाइज द विनर्स है उन्हें एहसास हुआ कि जो लोग जीत रहे थे उन्होंने वास्तव में कोई एक्सपेरिमेंट किया था Not simply make a neat display. केवल एक सुंदर सा मॉडल नहीं बनाया था, बल्कि एक्सपेरिमेंट किया था। और साइंस का मतलब होता है कुछ करके देखना और ये बात उन्हें अब बता लगी जब वो हार गए काउंटी फेयर में। Already the competitive spirit had drives that drives Jibril was appearing. Already उनकी वो कंपटीटिव स्पिरिट जो उन्हें फोर्स uh, करती है एक्टिविटीज को करने के लिए वो अब दिखनी शुरू हो गई थी आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयरस फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट ही सेट और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि अगले साल इस काउंटी फेयर में आने के लिए मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा कुछ अलग करना होगा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स अकेला सब्जेक्ट जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता था वो थे इंसेक्ट्स जिनके ऊपर मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा था सो ही रोड टू डॉक्टर ह्यूगहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टॉक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट इसीलिए उन्होंने डॉक्टर ह्यूगहार्ट को लेटर लिखा और उनकी तरफ से बैक केम वापस आया क्या आया स्टॉक ऑफ सजेशंस स्टॉक ऑफ सजेशंस मींस ड्राइव्स मी फोर्सेस और मोटिवेट्स एंड स्टॉक मीस पाइल बहुत सारा सारे सजेशंस एक ढेरों सजेशंस उन्होंने दिए एक्सपेरिमेंट के लिए दोस्प्ट एब्राइड बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल और इतने सारे सजेशंस थे उन उनके कि उन सजेशन्स का इस्तेमाल करते हुए एब्राइड पूरे हाई स्कूल का पीरियड जो चार साल का उनका पीरियड था उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और उसमें बिजी रहे एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स और उन आइडियाज पर काम करते हुए उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जिनसे वो काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में प्राइज मिले उन्हें फॉर हिस्स एट ग्रेड प्रोजेक्ट जब वो एट क्लास में हुए द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट केल्स नियरली ऑल मोना केटरपिलर्स एवरी फ्यूर्स तो एट्थ क्लास में सेवन्थ में वो हार गए थे और उन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला था तो एट्थ क्लास के लिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया उसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने कॉज फ़ाइंड आउट करने की कोशिश की किस चीज़ का एक वायरल डिजीज़ का कॉज फाइंड आउट करना चाहते थे वो दैट किल्स जिस जो कि नियरली ऑल मुराक कैटरपिलर्स लगभग सारे मुनाक कैटरपिलर्स को मार देता है एवरी फ्यू ईयर्स हर कुछ सालों में ऐसा होता है कि वो कोई डिजीज़ वायरल डिजीज़ फैलता है जिसके कारण सारे मुनाक कैटरपिलर्स जो हैं वो मर जाते हैं एब्राइट थाट एब्राइट को ऐसा लगता था द डिजीज माई बी कैरेट बायाबीटल कि ये डिजीज़ जो है वो एक बीटल के कारण फैलता है अब यू कैन सी हेयर इज मुनाक केटरपिलर तो ये मुनाक केटरपिलर का उन्हें लगता था कि ये बीटल की प्रेजेंस की वजह से क्योंकि बीटल्स आते हैं और वो कोई बीमारी फैलाते हैं जिसके कारण से ये मुनाक पीपा जो है हर कुछ सालों में मर जाते हैं दीज आर बीटल्स तो अब <coughs> स ऑफ बीटर्स उन्होंने केटरपिलर्स uh, को रेस <coughs> करना शुरू किया बीटल्स की प्रेजेंस में यू हैव सीन द बीटल्स एंड यू हैव सीन द केटर पिलर्स तो इन केटरपिलर्स को उन्होंने इन वाले केटर पिलर्स को उन्होंने इन बीटल्स की प्रेजेंस में रेज करना ची शुरू किया बढ़ाना शुरू किया आई डिडेंट गेट एनी रियल रिज़ल्ट ही सैड और वो कहते हैं कि मुझे कोई रियल रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आया कि बीटल्स की वजह से वो बीमारी फैलती थी बट आई वेंट अ लेकिन मैं आगे गया मैंने वो प्रोजेक्ट दिखाया एंड शोड और कहा दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था दिस टाइम आई वॉन्ट इस बार मुझे प्राइज मिला तो एट्थ स्टैंडर्ड में उन्हें प्राइज़ मिला और he was motivated to do more, और ही मोटिवेटेड टू डू मोर कुछ करने के लिए द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द दैट द्योरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनाक्स अगले साल यानी नाइन्थ स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया कि एक थियोरी है कि वाइसराइ बटरफ्लाइज जो है, वो Monarch Butterflies हैं वो मोनाक बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं द थ्योरी वॉज दैट वाइसराइज लुक लाइक मोनाक्स थ्री ये थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो हैं वो मोनाक बटरफ्लाई की जैसा दिखने की कोशिश करती हैं बिकॉज मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स क्योंकि मोनाक बटरफ्लाइज जो हैं वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती हैं खाने में इज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स जबकि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो बर्ड्स को खाने में अच्छी लगती हैं सो द मोर दे लुक लाइक मुनाक्स तो जितना ज़्यादा वो मुनाक बटरफ्लाई जैसी दिखेंगी द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर तो ये बहुत संभावना कम हो जाएगी कि वो किसी बर्ड का डिनर बने अब हेयर इन दिस इमेज यू कैन सी टॉप पर उन्होंने आपको मट मोनाक बटरफ्लाई दिखाई है एंड डिफरेंट फ्रॉम वाइस रॉय बटरफ्लाई जो बॉटम में दिखाई है तो ये वाइस रॉय बटरफ्लाइज जो है ये कॉपी करती है मुनाक बटरफ्लाईज को और क्यों कॉपी करती है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू लुक लाइक देम क्यों दिखना चाहती है क्योंकि एक डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट कि जो जितना ज़्यादा अपने आप को नए इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता जाता है वो उतना ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है तो अब क्योंकि वाइस बटरफ्लाइज जो हैं वो बर्ड्स को अच्छी लगती हैं खाने में तो लेकिन मोनाक्स अच्छी नहीं लगती तो जितना ज्यादा वो मुनाक्स जैसा दिखेंगी उतना कम बर्ड्स उन्हें खाएंगे तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कुछ प्रोसेस नैचुर चलता है एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनाक्स और एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि क्या सच में मोनाक्स को बटर बर्ड्स खाते हैं ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड और उन्होंने क्या पाया अपनी इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि स्टारलिंग बर्ड जो होता है एक बर्ड होता है ये स्टारलिंग और ये स्टारलिंग बर्ड जो है इट वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड जो ऑर्डिनरी बर्ड फूड होता है यानी कि वाइसराय बटरफ्लाई उनको नहीं खाता ये इट वुड ईट ऑल द मुनाक्स इट कुड गेट इसे मुनाक बटरफ्लाई खाना अच्छा लगता है उसका टेस्ट अच्छा लगता है और ये जितनी मिल जाती है उनको उतना उतना खाता जाता है ए ब्राइट सेट लेटर लेकिन बाद में ए ब्राइट ने बताया लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मुनाक शायद वास्तव में वाइस रॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो मुनाक बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस साइंसफेयर और इस साल उनके इस प्रोजेक्ट को पूरे जूलॉजी डिविजन में फर्स्ट प्लेस मिला जबकि पूरे काउंटी साइंस साइंसफेयर में थर्ड प्लेस मिला तो जिस एम से वो चले थे वो एम अब सफल होने लगा और उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल होने लगे थे इन हिज सेकेंड इयर इन हाई स्कूल यानी कि रिसर्च दैट लेड टू द हिज डिस्कवरी ऑफ एन अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स अगले साल उन्होंने जो रिसर्च शुरू की जो काम शुरू किया वो क्या था लेट टू द दस वो आगे बढ़ा टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन एक अननोन पहले से जिसका नहीं पता था ऐसे इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी की तरफ गया काम इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड ये उस तरफ भी गया टू हिज न्यू थ्योरी जो नई थ्योरी उन्होंने दी बाद में ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स कि सेल्स कैसे रहती हैं कैसे काम करती हैं उस पर जो थ्योरी दी उसके लिए भी ये आगे बढ़ा क्वेश्चन करने का एक छोटे छोटे गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं ये मुनाक प्यपा है और ये देखिए गोल्डन कलर के स्पॉट्स यहाँ पर नजर आ रहे है छोटे छोटे यहाँ पर भी दिख रहे हैं यहाँ पर भी दिख रहे है तो ये जो मुनाक प्यपा है इनका क्या रीजन था क्या पर्पस होता है ये फाइंड आउट करना उनका प्रोजेक्ट था एवरीवन एज्यूम्ड एज्यूम्ड मीन होता है सपोज मान लेना तो हर कोई ये मानता था स्पोर्ट्स जस्ट ऑर्नामेंटल कि ये स्पोर्ट्स जो हैं वो केवल ऑर्नामेंटल है एब्राइट सेट एब्राइड कहते बट डॉक्टर यू ठाक डिड नॉट बिलीव इट लेकिन डॉक्टर यू खाट नहीं मानते थे टू फाइंड द आंसर और इस बात का आंसर पता का लगाने के लिए एब्राइड एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट एब्राइड और एक और साइंस स्टूडेंट जो है फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस उन्हें एक डिवाइस बनानी पड़ी दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हॉर्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज डिवेलपमेंट कि ये जो स्पॉट्स हैं ये केवल ऑर्नामेंटल नहीं है बल्कि एक हॉर्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बटरफ्लाइज के पूरे डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरी है दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इंटू द इंटरनेशनल एंड इंजीनियरिंग फेयर और इस प्रोजेक्ट की वजह से एब्राइट को पहला स्थान मिला काउंटी फेयर में और एंट्री इंटू द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड इंजीनियरिंग फेयर और साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल लेवल के देयर ही वन थर्ड प्राइज प्लेस फॉर जूलॉजी वहां पर उन्हें जियोलॉजी सेक्शन में थर्ड प्राइज मिला ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ दॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और इसमें थर्ड प्राइज लेने के कारण उनको एक मौका भी मिला कि वो एंटमोलॉजी लेबोरेटरी जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में जाकर वो काम कर सकते थे एंटामोलॉजी क्या होती है साइंस ऑफ देट स्टडीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंसेक्ट्स तो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी थी वॉल्टर रीड आर्मी की इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और उसमें वो जाकर उन्हें काम करने का मौका मिल रहा था एज अ हाई स्कूल जूनियर यानी इलेवेंथ क्लास में रिचर्ड एब्राइड कॉन्टीन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनाक प्यूपा उन्होंने मोनाक प्यूपा पे अपना एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉज वन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर और उस साल उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला एंड गेव हिमर चांस उन्हें एक और मौका मिला टू वर्क इन आर्मी लेबोरेटरी में वो आर्मी में काम कर सकते थे यानी में he went a step further. वो एक कदम और आगे बढ़े फ्रॉम इन ए कल्चर उन्होंने एक के से कुछ सेल्स निकाले एंड शोड डैट और उन्होंने ये दिखाया कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डिवेलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग कि ये सेल्स जो हैं डिवाइड होंगी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और खूब मल्टीप्लाई होकर के एक बटरफ्लाई का पूरा विंग बना देंगी विंग स्केल्स ओनली इफ अगर दे वर फेट द हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स कि अगर उन गोल्ड स्पॉट से निकलने वाले हॉर्मोन को इस इन सेल्स के अंदर डाला जाए तो वो धीरे धीरे बड़ी होकर पूरी एक बटरफ्लाई का विंग भी तैयार कर लेते हैं दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द ज़ुलॉजी एंड द इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेयर और इसके लिए उन्हें ज़ुलॉजी सेक्शन में फर्स्ट प्लेस मिला इंटरनेशनल फेयर में ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन और प्लस टू करने के बाद उन्होंने गर्मियों का मौसम जो है डूइंग फर्दर वर्क ऑन एट द आर्मी लेबोरेट्री आर्मी लेबोरेट्री में आगे काम करते हुए बिताया एंड ऐट द लेबोरेटरी ऑफ द यू डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर और यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोट्री में भी उन्होंने काम किया तो अब देखिए सेवन्थ क्लास में वो अपना प्रोजेक्ट हार गए थे उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला था उन्होंने फ्रॉक टिश्यूज़ की सेल पर बनाया था एटथ क्लास में जब वो काउंटी फेयर में गए तो उन्होंने ये आ, डिस्कस करना शुरू किया उन्होंने ये रिसर्च किया था कि जो बटरफ्लाइज हैं हर साल उनके कुछ कैटरपिलर्स मर जाते हैं किसके कारण एक इंसेक्ट हार्मोन के इंसेक्ट के कारण और जिसका उन्हें लगता था कि बीटल्स के कारण होता है नाइन्थ ग्रेड में जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें उन्होंने ये कहा कि बटरफ्लाइज जो हैं वायस्ट्रॉय बटरफ्लाई मुनाक को कॉपी करती हैं और उसके पीछे कारण ये आ, उनको ये है कि वो अपने आप को बचाना चाहती हैं बाकी बर्ड्स से और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि स्टर्लिंग एक बर्ड जो होता है स्टार्लिंग जो बर्ड होता है वो केवल भूना बटरफ्लाइज को खाता है जबकि दूसरी बटरफ्लाइज को नहीं खाता है नाइन्थ ग्रेड के प्रोजेक्ट में उन्होंने ये डिस्कस किया कि एक इंसेक्ट हार्मोन होता है जो कि गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं प्यूपा पर उनमें और उनकी वजह से वो नॉर्मल ग्रो करते हैं और टेंथ में भी उन्होंने उसी प्रोजेक्ट पे और आगे काम किया और एक बर्ड का विंग एक बटरफ्लाई का पूरा विंग तैयार किया एक सेल के कल्चर से अब जब उनकी टेंथ प्लस वन प्लस टू हो गई प्लस वन में भी उन्होंने इन द सेकेंड ईयर उन्होंने उसको विंग को पूरा बना के दिखाया और देन आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका फ्रेशमन ईयर था यानी कि फ्रेशर फर्स्ट ईयर था एट ब्राइट बाइंड बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वापस वहाँ पर लेबोरेटरी में गए एंड डिट मोर वर्क ऑन द हारमोन फ्राम द गोल्ड स्पॉट्स गोल्ड स्पॉट्स पर जो हार्मोन था उस पर और काम किया यूजिंग द योर लेबोरेटरी सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रोमेंट्स और सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेल मेड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड uh, से जो इंस्ट्रोमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल थे उन पर उन्होंने काम किया उसके हारमोन के लिए वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन केमिकल स्ट्रक्चर वहां पर काम करते हुए उन्हें हॉर्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसमें कौन कौन सेमिकल्स होते हैं वो पता लगाया हाफ लेटर डेढ़ साल के बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर जब वो जूनियर ईयर में थे ए ब्राइट गॉड द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ तो उनको एक नया आइडिया आया जो की नई थ्योरी के बारे में था सेल लाइफ के बारे में इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉर्मोन जब वो उस हॉर्मोन की एक्सरे को देख रहे थे उसके केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे को देख रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि ये कैसे सेल्स काम करती वेन ही सो दो फोटोज देखे ए ब्राइट डेड नॉट शाउट यूरे और इवन आई है तो उन्होंने यूरेका कहा ना इवन आई हैव गॉट इट न्यूटन के लिए कहते हैं कि उनके सिर पर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने कहा यूरेगा लेकिन यहां पर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ उन्होंने कोई यूरेगा नहीं बोला But he believed that along with his findings about insect hormones, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास था कि उनकी जो नई findings हैं insect hormone के बारे में the photos gave him the answer to और ये जो फोटोज वो देख रहे हैं ये उन्हें एक आंसर दे रहे हैं टू द बायोलॉजीज पज़ल्स बायोलॉजी की जो बड़ी बड़ी पजल्स हैं उनके बारे में आंसर दे रहे हैं हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी कि कैसे सेल जो है वो एक डीएनए uh, का ब्लू प्रिंट रीड करती है अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि सेल uh, जो होती है पूरी उसके बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में डीएनए होता है और वो जो डीएनए है वो डिसाइड करता है कि सेल किस तरह से काम करेगी वो सारे के सारे सिग्नल्स uh, भेजता है डी इज द सब्स्टांस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल डीएनए वो सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में होता है सेल में दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है अब इसमें क्या है डीएनए में जैसा मटेरियल है उसी के हिसाब से सेल का फंक्शन होता है इट इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल ये सेल की फंक्शन और आ, उसके फॉर्म को उसकी आकृति को डिसाइड करता है दस डी एन एज ब्लू प्रिंट ऑफ आर लाइफ और इस तरह से डी एन ए जो है वो लाइफ का ब्लू प्रिंट है वही बताता है कि लाइफ किस तरह की होने वाली है एब्राइट एंड हिस्स कॉलेज रूम मेट जेम्स आर वॉन्ग एब्राइट और उनका कॉलेज रूम मेट जो कि जेम्स आर वॉन्ग नाम था वर्क ऑल दैट नाइट वो दोनों सारी रात उस पर काम करते रहे प्रोजेक्ट पर ड्राॅइंग पिक्चर्स और उन्होंने तस्वीरें बनाई एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए उन्होंने मॉलिक्यूल्स को शो करते हुए टू शो हाउ इट कुड हैपन कि कैसे होता होगा ये सब टुगेदर साथ में दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी उन्होंने साथ में बैठकर फिर वो पेपर भी लिखा जिसमें उन्होंने उनकी थैली थ्योरी को एक्सप्लेन किया था सरप्राइजिंग नो वन किसी को भी हैरानी नहीं हुई हु न्यू हिम जो कि रिचराइड को जानते थे उनमें से किसी को भी हैरानी ही नहीं हुई क्योंकि वो ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइएस्ट ऑनर्स क्योंकि हार्वर्ड से वो हाइएस्ट ऑनर्स के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन की उनकी डिग्री पूरी हुई सेकेंड इन इज क्लास ऑफ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन स्टूडेंट्स इतने स्टूडेंट्स की क्लास में उनको सेकेंड पोजीशन मिली ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ही उन्होंने एक रिसर्चर के तौर पर स्टूडेंट रिसर्चर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया There he began doing experiments to test his theory, और वहां पर उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए द्योरी प्रूव करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ और उन्हें पता था कि अगर ये थ्योरी उनकी सही साबित हो जाती है तो लाइफ के जो अलग अलग प्रोसेस हैं उन्हें समझने में के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम होगी it might also lead to the new ideas of preventing some types of cancer and other diseases और ये cancer और इस तरह की कुछ और दूसरी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी एक अच्छा तरीका रहेगा all of this is the possible because of a bright scientific curiosity और ये सब किस लिए possible हो पाएगा क्योंकि इस bright में एक scientific curiosity थी His high school research into the purpose of spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उनकी हाई स्कूल की जो रिसर्च थी और उसमें क्या उन्होंने फाइंड आउट किया था पर्पज ऑफ स्टॉप स्पॉट्स ऑन मोनाक प्यूपा कि मोनाक प्यूपा पर, 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 पर जो स्पॉट्स हैं उनका पर्पज़ पर पर क्या है इवेंचुअली फाइनली लेड हेम टू इससे क्या कहाँ पर पहुँचाया उन्हें हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ सेल लाइफ की थ्योरी तक पहुँचा दिया वहां से शुरू करके ये सेल लाइफ की थ्योरी तक पहुंच गए रिचर्ड हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट कलेक्टिंग बटरफ्लाइज वो साइंस में तब से इंटरेस्टेड थे जब उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था सेकेंड ग्रेड में बट नॉट सो डीपली दैट ही टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट लेकिन इतने भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे वो <coughs> कि वो कुछ और काम नहीं कर पाते बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर वो एक चैम्पियन डिबेटर बने एक बहुत ही अच्छा उन्होंने डिबेटर डिबेट्स बहुत अच्छी करते थे पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे थे भाषण बड़े अच्छे देते थे एंड गुड कैनोइस्ट और एक अच्छे कैनोइस्ट भी थे कैनोइस्ट कैनो इस तरह की कुछ बोट होती है शार्प से एजेस वाली और उसके बोटिंग का भी शौक़ था उनको कैनोइंग का शौक़ था एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन और आउटडोर वर्क में भी वो इन्वॉल्व रहते थे

ए स्टूडेंट और हाई स्कूल में रिचर्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रेट स्टूडेंट थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी उनके लिए लर्निंग बहुत आसान थी ही टर्नड ए लॉट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब और uh, क्योंकि सीखना उनके लिए एक आसान काम था तो उन्होंने अपनी और एनर्जी जो थी उनमें उसको डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में लगा दिया ही ऑल्सो फाउंड टू एडमायर कोई ऐसा भी पर्सन था जिसे वो एडमायर करते थे जो उनके लिए रोल मॉडल था और वो कौन थे रिचर्ड ए वेरर हिज सोशल स्टडीज टीचर रिचर्ड ए एयर थे वो जो कि उनके एस एस टीचर थे एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स और ये जो दोनों क्लब्स थे डिबेटिंग क्लब और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब इन दोनों के एडवाइजर थे वो मिस्टर वेरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन और एब्राइट कहते हैं कि मेरे लिए वो एक परफेक्ट पर्सन थे और इसीलिए मेरे रोल मॉडल थे वो ही ओपन माई माइंड टू न्यू उन्होंने मेरे दिमाग को नए नए आइडियाज के लिए खोल दिया था रिचर्ड गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वियर सेट और दूसरी तरफ मिस्टर वियर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा हर चीज में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार रहता था बट प्लीज मी वॉस जिस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती थी वो ये थी हेयर वॉज दिस पर्सन कि एक ऐसा इंसान मेरे सामने था वो बुट इन थ्री और फोर आवर्स एट नाइट ड्यूरिंग डूइंग डिबेट रिसर्च जो कि तीन चार घंटे लगातार बैठकर डिबेट रिसर्च का काम करता था बिसाइड्स डूंग ऑल हिज रिसर्च विध बटरफ्लाईज एंडर इंटरेस्ट जिनके अलावा वो साथ में और क्या कर रहा था बटरफ्लाईज और दूसरे इंटरेस्ट में भी वर्क कर रहा था और तीन चार घंटे रात को लगाकर डिबेट के लिए भी रिसर्च कर लेता था मटेरियल तैयार कर लेता था तो इस तरह का स्टूडेंट किसी भी टीचर को मिलेगा तो ऑब्वियसली वुड भी हैप्पी रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव मिस्टर वियर कॉन्टीन्यूडर वियर आगे बताते हैं कि रिचर्ड बहुत कॉम्पिटेटिव था कॉम्पिटिटिव मतलब जो कि कॉम्पिटिशन में आगे आना चाहते हैं बट नॉट इन ए बैड सेंस लेकिन वो कॉम्पिटिव बैड सेंस में नहीं थे कि भैया मुझे आगे निकलना है इसलिए मैं दूसरे की टांग खींच दूँ ऐसे नहीं थे ही एक्सप्लेन वो एक्सप्लेन करते हैं रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग से केवल जीतने के लिए नहीं जीतना चाहते थे और विनिंग टू गेट ए प्राइज या फिर प्राइज जीतने के लिए नहीं जीतना चाहते थे रादर बल्कि ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड वो इसलिए जीते थे क्योंकि उनकी एक इच्छा होती थी कि वो जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे से करें सबसे अच्छे से करें फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट सही कारणों से वो बेस्ट होना चाहते थे एंड दैट इज़ वन ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और ये ही वो इन्ग्रेडियंट है जो कि एक साइंटिस्ट बनाने के लिए चाहिए एक इन्ग्रेडियंट एक ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए वन ऑफ द आइटम्स नीडेड टू मेक समथिंग कुछ बनाने के लिए जो आइटम चाहिए तो मेन आइटम क्या चाहिए हमें स्पिरिट टू विन और विनिंग फॉर द राइट रीजनस स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड आगे राइटर कहते हैं कि अब कैसे हमें साइन, एक साइंटिस्ट बनाना है स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड एक फर्स्ट रेट माइंड लीजिए एक अच्छा सा दिमाग लीजिए एंड क्यूरियोसिटी उसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डालिए एंड मिक्स इन द विल और उसके अंदर मिक्स कीजिए विल टू विन जीतने की इच्छा को और विन फॉर द राइट रीजन सही कारणों से जीतने की इच्छा को इन सबको जब आप मिलाते हैं तो आपको एक साइंटिस्ट मिलता है एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़ एब्राइट में ये सारी क्वालिटीज थी फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मुनाक एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम जब उस बुक ने ट्रेवल्स ऑफ मुनाक एक, एक्स ने साइंस वर्ल्ड को उनके लिए खोला तब से ये सब चीज़ें उनके अंदर थीं रिचर्ड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज लाइफ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और तब से लेकर अब तक भी रिचर्ड ने कभी भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नहीं छोड़ा है और राइटर ऑफ दिस लेसन इज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन और आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा और यू विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ही डिड थ्रू आउट हिज लाइफ आप अगर सिक्वेंस बनाएंगे तो फ्रॉम सेकेंड क्लास टू ग्रेजुएशन सारी इसमें लिस्ट दी गई है और उनके वर्क्स दिए गए हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग कीप शेयरिंग